बात करते हैं एमजीएम अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने की। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर वेतन की मांग को लेकर शुक्रवार सुबह हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण ओपीडी ठप हो जाने से मरीज परेशान रहे। दोपहर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा 8-9 दिनों में उनकी समस्या के हल का आश्वासन दिए जाने के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली। बता दें कि एमजीएम अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर 4 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से परेशान है। वेतन की मांग को लेकर रेसिडेंट डॉक्टर शुक्रवार सुबह हड़ताल पर चले गए, जिससे अस्पताल का ओपीडी ठप हो गया। हड़ताली डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर अस्पताल अधीक्षक कक्ष का घेराव कर वहां देर तक नारेबाजी भी की। डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन उनके लंबित वेतन पर जल्द विचार नहीं करता तो उन्हें उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रदर्शनकारी रेसिडेंट डॉक्टरों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे वेतन नहीं मिलने तक ड्यूटी करने को तैयार नहीं हुए। वहीं रेसिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के कारण ओपीडी ठप हो जाने से इलाज कराने पहुंचे मरीजों को काफी परेशानी हुई। हालांकि अस्पताल के जूनियर व सीनियर डॉक्टरों के सक्रिय होकर सेवाएं जारी रखने से मरीजों को थोड़ी राहत मिली। हालांकि इसके बाद भी इमरजेंसी व ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लगी रही। उधर धरना प्रदर्शन के दौरान ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हड़ताली डॉक्टरों से वीडियो कॉल पर बात की। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि उन्हें इस समस्या की जानकारी नहीं थी। उनके 8-9 दिन में समस्या का समाधान कर देने का आश्वासन दिए जाने के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि वे 8-9 दिन तक चुप रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी समस्या नहीं सुलझी तो अगली बार राज्य के सभी 6 अस्पतालों में एक साथ आंदोलन शुरू किया जाएगा। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।